Assalamu alaikum dear students, this is the first lecture of chapter 3 grade 10. I am Ahidullah, the part of PME school system. Today's lecture will cover your book from page 68 to 74, chapter 3 economic development in Pakistan. Economic development, maashi tarakki. Ab maashi tarakki hoti kya hai aur iska kya role hota hai, kya kirdar hota hai mulki tarakki mein, to ye economic development मुल्क के जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ होते हैं, सलाहियतें, इनमें इजाफ़ा करता है, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार फराहम करता है, सेल्फ सफिशेंसी, खुद किफालत, खुराक जो मुल्क के अंदर उगाई जाती है, खुराक की जो सलाहियत है मुल्क की, उसमें मुल्क इतना खुद कफील हो जाता है, इतने मकदार में खुराक जो है ना अपने मुल्क में पैदा होता है कि अपने मुल्क के लोगों की ज़रूरत अपने मुल्क से ही पूरी होती है। इसको सेल्फ सफिशेंसी कहते हैं इन फूड, ठीक है। इक्वलिटी इन सोसाइटी और माशरे में बराबरी आ जाती है, बराबरी के सतह पर जो रिसोर्स हैं वो तकसीम किए जाते हैं। अब इकनॉमिक डिवेलपमेंट में कौन से ऐसी चीज़ें जो रोल अदा करते, किरदार अदा करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ज़रिए तरक्की। पाकिस्तान की 65% जो पापुलेशन है वो डायरेक्टली मतलब किसान हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, या इनडायरेक्टली हम जैसे लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ना डायरेक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं, तो 65% में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना लिंक है, ठीक है। और एग्रीकल्चर का जो मुल्क के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब मुल्क की मजमू पैदावार जो है ना, उसमें एग्रीकल्चर का 32% हिस्सा है, 32% जो है ना वो एग्रीकल्चर से पूरी होती है। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर जो है ना वो अंडर डेवलप है, अभी डेवलप नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट के स्टेप्स कौन से इकदाम हैं इन्होंने किए मुख्तलिफ द्वार में एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए, तो 1952 से 53 तक 1000 टन जो है ना ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स तकसीम किए गए, जो बढ़ा के 2002-2003 में 2.4 मिलियन कर दिया गया। इसके अलावा 148 टन हाई क्वालिटी सीड्स, आला मयार के जो बीज है वो तकसीम किए गए किसानों में 2002 से 2003 के दौरान। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इंसेक्टिसाइड स्प्रे मतलब फसलों के कुछ बीमारियां होती हैं या उन पे कीड़े जो हैं ना वो हमलावर हो जाते हैं जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाती है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्प्रे किया ताकि फसल को बढ़ाया जा सके, पैदावार को बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए फैसलाबाद, पेशावर और पिंडी टंडू जाम में, ताकि एग्रीकल्चर एजुकेशन दी जा सके और लोगों में एग्रीकल्चर के बारे में जो है ना नए तौर तरीके मुतारिफ कराए जा सके। एग्रीकल्चर लोन्स, ज़रिए कर्ज़े देने की सहूलियत दी गई, और बेटर एयर इरीगेशन और बेहतर ज़रिए बपाशी जो है ना उसको मुमकिन बनाया गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सनी तरक्की। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में 921 इंडस्ट्रीज थे, जिसमें से पाकिस्तान के हिस्से में 34 इंडस्ट्रीज़ आए, जो कि तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा कम थे। अब दूसरी ये कि मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और बेरोज़गारी की खात्मे के लिए, कमी के लिए एक मजबूत सनती ढांचा होना ज़रूरी है, बुनियाद होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान के आज़ादी के बाद मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी थी। इसके अलावा जो 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन का जो एक अमल किया था, उससे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो स्लो हो गया था, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन जो अमल किया गया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 1992 में, तो उससे दोबारा इंडस्ट्री इनक्रेज हुई और जो थोड़ी बहुत जो इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस स्लो हो गया था वो थोड़ी बेहतर हो गई। 1952 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया, इंडस्ट्रियल रिसर्च इन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड फॉर इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चर है
वो टेक्सटाइल है, वोलिन क्लॉथ है, वेजिटेबल ऑयल, मैच बॉक्सेस, लेदर गुड्स, रबर, सीमेंट, सिगरेट, शुगर, ठीक है, ये पाकिस्तान के वो प्रोडक्ट्स से जो बनाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स से जो बाहर के ममालिक भेजे जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड, तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है जब हम अपने मुल्क में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को बाहर के ममालिक में भेजे जाते हैं और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाते हैं, ये ट्रेड होता है, ठीक है। अब बैलेंस ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ट्रेड ये होती है कि सपोज अगर हम 1 मिलियन रुपीज़ की जो है ना चीज़ें बाहर भेजते हैं और हम बाहर से 500,000 की भिजवाते हैं तो ये फ़ायदेमंद ट्रेड होगा, लेकिन अगर हम एक बैलेंस ट्रेड होगा, लेकिन अगर हम 1 मिलियन भेजते, 1 मिलियन के लागत के मंगवाते भी हैं, उतने पैसों के मंगवाते भी, तो ये बैलेंस ट्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 मिलियन के बेचते हैं और वहाँ से 2 मिलियन के हम इंपोर्ट करते हैं तो ये बैलेंस ट्रेड पे नहीं होगा, मुल्क जो है ना नुकसान में जाएगा। नेचुरल रिसोर्स, कुदरती वसाइल, अब मुल्क की तरक्की के लिए कुदरती वसाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुदरती वसाइल क्या होते हैं? क्लाइमेट, अब फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, एनिमल्स, मैन पावर, माउंटेन एक्सेट्रा। अब क्लाइमेट किस तरह वसाइल हो सकता है, मुल्क की तरक्की में मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लोग वहाँ के सैर के लिए जाते हैं, या हमारे जो ठंडे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, शुमाली जो इलाके हैं उनको आप देखें, तो ये मौसम ही होता है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को कि वो गर्म मौसम में वहाँ जाएँ, वहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज़ हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मुल्क को तरक्की होती है, वहाँ की जो होटलिंग वगैरह होती हैं, वहाँ पे रेवेन्यू की किस्म की जनरेट होती हैं, जिससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता है। बाहर से लोग आते हैं तो वीज़े का जो होता है, बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह तो उसमें भी इजाफा होता है, ठीक है। फॉरेस्ट और ये वाटर, मिनरल्स, एनिमल्स, ये तो क्लियर है। मैन पावर ये कि किसी मुल्क में अगर वहाँ के नौजवान सेहतमंद नहीं है, ठीक है, वहाँ के नौजवान जो है ना वो लेबर, जो मैनुअल फोर्स है, जो मजदूरी वगैरह हैं, वो नहीं कर सकते, तो फिर वो कौन भी तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बाहर के ममालिक में मजदूरी कर रहे, बाकी जो है ना जॉब्स कर रहे हैं, तो ये लेबर, देखिए, ये मैन पावर है जिससे रेवेन्यू आती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज जो है ना आते हैं, वहाँ के पैसे भिजवाए जाते हैं, तो उससे हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होता है। माउंटेन्स, अब माउंटेन से किस तरह फ़ायदा होता है? देखिए, जैसे आजकल आप मार्बल वगैरह देखते हैं तो ये माउंटेन से ही निकलते हैं। एजुकेशन किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, ठीक है। किस तरह के जो एजुकेटेड लोग होते हैं, एक तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, दूसरी वहाँ पे जो काम करते, पैसे बेचते, तो उससे भी मुल्क को फ़ायदा होता है, ठीक है। एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ लिंक है। एजुकेशन में जो है ना, ये इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट हर 5 साल का एक मंसूबा बनाते हैं और फंड्स जो है ना एजुकेशनल डिपार्टमेंट को देते हैं, और ताकि वो उस फंड को लगाएं और मुल्क में जो है ना एजुकेशन के मायार को बेहतर बनाया जा सके। मिनरल रिसोर्स, मादनी वसाइल, तो मादनी वसाइल में पहले हमारे पास क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल वो होता है जो पेवर हालत में होता है, जब उसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। अब पाकिस्तान जो है ना, ये अपने 10% जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो अपने मुल्क से पूरी करते हैं और 90% जो है ना वो बाहर से मंगवाते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम का जो है ट्रेड है, ये बैलेंस ट्रेड नहीं हुआ, ठीक है, मुल्क जो है ना खसारे में जा रहे किस्म के, ठीक है। अब क्रूड ऑयल को जो रिसोर्स है, ज़राए हैं, वो अटक डिस्ट्रिक्ट अटक में है, ठीक है, डेरा गाजी खान में है, डेरा पर डिस्ट्रिक्ट अटक में है, और डिस्ट्रिक्ट बदेन और अदिकाजियान जो केरावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और साउथर्न सिंध में भी पाए जाते हैं इसके रिसोर्सेज। नेचुरल गैस जो है ना दूसरी नंबर पे जो है ना एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज और थर्मल पावर हाउस क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है आपके, थोड़े से शॉर्ट मैं बता देता हूँ। थर्मल पावर हाउसेस वो होते हैं जहाँ पे कोयले, गैस वगैरह को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, ठीक है। 29% गैस जो है ना ये फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, 24% जो है ना ये बाकी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी जो रिजर्व्स है वो सूई बलूचिस्तान के मकाम पर वाक़ है, ठीक है। इसके अलावा सिंध, पंजाब और KPK के कुछ इलाकों में भी पाए जाते हैं। कोल जो है ना, कोल जो है ना ये एक अहम रिसोर्स है, और ये गैस और तेल के
दरियाफ्त से पहले इस्तेमाल किया जाता था बहुत ज़्यादा। अब जो है ना इसका इस्तेमाल कुछ चीज़ों में रहेगी, जैसे ईंट वगैरह की जो भट्टी वगैरह होती हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इसके रिसोर्स जो है ना ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में पाए जाते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी जो कोयले की कान है या जो रिसोर्स रिज़र्व है वो उत्तर सिंध में जो है ना दरियाफ्त की गई है। नेक्स्ट क्रूड ऑयल, खाम लोहा। खाम लोहा वो होता है जो अपने प्योर हालत में होता है, एक पत्थर के शेप की होती है जब इसको ज़मीन में से, पहाड़ों में से निकाला जाता है, ठीक है। अब लो ग्रेड आयन और हाई ग्रेड आयन क्या होते हैं, तो देखिए पिक्चर्स, ये लो ग्रेड आयन इस शेप का होता है देखिए, और हाई ग्रेड देखिए इस पिक्चर से ही आपको समझ आ जाएगी कि इसकी पिक्चर कितनी ये प्योर एक किस्म की नीट है, और इसको आप देखिए इसमें बाकी जो है ना किस्म का जंग सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब यूज़ ऑफ लो ग्रेड आयन, अब लो ग्रेड आयन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हाई ग्रेड, तो देखिए लो ग्रेड आयन ये ग्रेन्स वगैरह जो घरों में इस्तेमाल होते हैं या कीड़े वगैरह, आप देखिए इन चीज़ों को जंग लग जाते हैं बहुत जल्द। और हाई ग्रेड आयन ये देखिए जो एक किस्म का आपको ऑयल की जो एक प्लांट नज़र आ रही है समंदर के अंदर, ये समंदर का पानी नमकीन होता है फिर भी ये कड़ा है, क्यों, इसको जंग नहीं लग रहा, ये बहुत देर पा है, क्यों, क्योंकि ऑला क्वालिटी का लोहा है, आयन है, ठीक है। नेक्स्ट ये रेल की पटलियाँ, आप देखते होंगे कि रेल की पटलियाँ साल साल तक अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई पटलियाँ, लेकिन वो जंग आलूदा नहीं हुई, अभी वो इसी तरह है, उसमें थोड़ी सी मेल आ जाती है लेकिन फिर वो साफ़ हो जाती है और बिल्कुल इसी तरह मजबूत है, ये तो ये हाई ग्रेड आयन है, ठीक है। क्रूड आयन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये मेनली जो है हमारे पास से चल गज़े, काला बाग, लंगरेल और चित्राल के इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। और हाई ग्रेड आयन जो है ना ये नोकंदी बलूचिस्तान के मकाम पे दरियाफ़ की गई है। जिप्सम, जिप्सम जो है ना ये कहाँ पे पाया जाता है, दाउदखेल, कीवड़ा और डंडोट के इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं कि फर्टिलाइज़र और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है ना इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए पिक्चर में इस शेप का ये होता है जब इसको पेवर या नेचुरल हालत में निकाला जाता है। मार्बल, संगमरमर, तो ये बहुत ज़्यादा आम है आजकल, जितने भी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, इमारतें वगैरह बनाई जाती है इसमें इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ रंग में होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर के पीके बलूचिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं, और पहले जो मोमंद, अभी जो मोमंद डिस्ट्रिक्ट है, बाजावल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी पाए जाते हैं। ये पिक्चर में आप देखिए मुख्तलिफ शेप में आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स में होती हैं, खूबसूरत। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है, सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये कोहाट, मारगला, टेक्सला, रानीपुर, हरनाई और रोहरी के मकाम पे पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमाइट, क्रोमाइट को आप देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, क्रोमाइट एक पत्थर के शक्ल का होता है, ठीक है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये लोहे और पेंट इंडस्ट्रीज़ में जो कलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको फोटोग्राफिक मटेरियल, जो तस्वीरें निकालने के जो मटेरियल होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बलूचिस्तान, मेनली बलूचिस्तान प्रोविंस और केपी में पाए जाते हैं, ठीक है, चारसद्दा, मलकंड वगैरह और मुस्लिम बाग, चागी और हारान जो बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट के इलाके में पाया जाता है। सॉल्ट, तो पाकिस्तान में सॉल्ट का जो है ना कीवड़ा के इलाके एक बहुत बड़ा रिज़र्व है, ठीक है। इसके अलावा बहादुरखेल, जट्टा, तो ये नमक के कान है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। और बलूचिस्तान में समंदर के पानी से भी नमक जो है ना ये हासिल की जाती है। गंधक, सल्फर, ठीक है, सल्फर एक एक्सप्लोजिव केमिकल है, ठीक है, जिसको एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है बम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इसके बड़े ज़राए बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मरदान और जैकबाबाद में भी पाए जाते हैं। इसके जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो क्विट और कराची में है, ठीक है। ये देखिए पिक्चर, सल्फर, कॉपर, तांबा, तो बलूचिस्तान में
संडेक और चागी के मकाम पे इसके अहम ज़राएँ रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं जहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है। और रिसेंटली अभी रिकॉर्डिंग जो बलूचिस्तान के एक इलाका है यहाँ पर भी पाए गए हैं, ठीक है। तांबा ज़्यादातर जो बिजली वगैरह के तार हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि लोहे की नस्बत इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से करंट जो है ना पास होती है। और इसके अलावा बर्तन वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं और सिक्के बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये नेचुरल हालत में इस तरह होती है जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही, पत्थर के शेप की होती है जिस तरह बाकी होती है, ठीक है।